वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर, दादू में मुतासरीन से मुलाकात की। शहबाज शरीफ को इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया दादू में सैलाब से 8 लाख अफराद बेघर हुए, मुतासरीन के लिए खैमों की अशद जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बहाली के कामों में कोई कसर न छोड़ने की हिदायत। डॉलर की डार्को सलामी, इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर 3 रुपए 2 पैसे नीचे आ गई। 234 रुपए में फरोग, 2 रोज में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 5 रुपए 65 पैसे की नुमाया कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 154 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 41,300 पर आ गया। इसहाक डार वतन वापस आ चुके हैं। फॉरेन एजेंट, हीरो, घड़ियों के सौदागर और आटा चीनी चोर का रोना तो बनता है। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल, कहती हैं इसहाक डार सजायाफ्ता नहीं, जल्द सेनेटर का हलफ उठाएंगे। मरियम औरंगज़ेब को हिरासत करने का वाकया नाकाबले बर्दाश्त है, मामले पर बरतानिया से राब्ता करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अता तारर ने बता दिया, कहते हैं वज़ीर-ए-दाखला से भी कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे। लीगी रहनुमा ने दावा किया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के पास एतमाद का वोट लेने की तादाद पूरी नहीं। और लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत, नैब ने मुखालफत खत्म कर दी। कहा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, अदालत मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस कर दे तो हमें कोई एतराज नहीं। वकील के पेश न होने पर कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी।